जनपद संभल के चंदौसी में आयोजित समाधान दिवस में ऑल इंडिया उलेमा व मशाइख बोर्ड के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। जनपद संभल के चंदौसी तहसील परिसर में आज आयोजित समाधान दिवस में ऑल इंडिया उलेमा व मशाइख बोर्ड के जानिब से एक शिकायती पत्र तहसील दिवस में तहसील अधिकारी को दिया गया, जिसमें बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि जराई गेट कब्रिस्तान की चार दीवारी से सटकर बनी नाली बंद है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में कब्रिस्तान में जाने से गंदे पानी से गंदगी फैलने के अलावा कब्रें क्षतिग्रस्त होती हैं, जिसकी शिकायत बोर्ड के सदस्यों द्वारा 22/7/2020 को अधिशासी अधिकारी नगरपालिका चंदौसी से करी थी। बंद नाली को खोलना तो दूर, उल्टा नगरपालिका के ठेकेदार ने डिवाइडर बनाने से बची मिट्टी भी कब्रिस्तान की चार दीवारी से मिलाकर डाल दी, जिससे आने वाले बारिश के दिनों में समस्या और विकराल हो जाएगी। इसलिए इस समस्या का समाधान कराने की आदेश पारित करें। शिकायती पत्र में ऑल इंडिया उलेमा व मशाइख बोर्ड के सदर हाफिज मतीन अशरफी, हाजी शाह आलम मंसूरी, नजर मोहम्मद, पूर्व सभासद शफीक एडवोकेट, मोहम्मद तारिक एडवोकेट आदि थे। आज ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड की जानिब से ज्ञापन जो है वो तहसील अधिकारी को दिया गया है। उसके माध्यम से हम लोगों ने यह मांग की है कि ये कब्रिस्तान जो रेलवे क्रॉसिंग के पास है, इसमें जो है बरसात के दिनों में गंदा पानी जो है वो कब्रिस्तान के अंदर जाता है, जिससे कब्रें भी क्षतिग्रस्त होती हैं। इसको लेकर हमने एक ज्ञापन जो है वो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका चंदौसी दिया था पिछले 22 तारीख में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और जो अभी डिवाइडर बना है वहाँ पर कब्रिस्तान के करीब में, तो ठेकेदार ने और मिट्टी जो है इसकी बाउंड्री से लगा के कब्रिस्तान की बाउंड्री से लगा के मिट्टी डाल दी थी, जिससे समस्या और जो ज़्यादा है वो ख़राब हो गई। इसको लेके अब आज हमने ज्ञापन दिया है, मांग करी है कि इसमें जो है ये नाली जो बंद पड़ी है वहाँ पे कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल से जो बराबर में जो नालियाँ हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, उसको जो है वो खोला जाए, सफाई करी जाए, ताकि जो है बरसात का पानी कब्रिस्तान में ना जाए।